नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेहंदी का तेल। यदि आपके बालों में डैंड्रफ है, बाल आपके पतले होते जा रहे हैं या बाल आपके झड़ते जा रहे हैं, तो ये तेल बना करके आप बालों में लगाएंगे तो आपको इन परेशानियों से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं इसमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी डालूँगी जो बालों के लिए फ़ायदेमंद हैं, और उसका क्या क्या फ़ायदा मिलता है ये भी मैं डालने के समय आपको बताती रहूँगी। इसी के साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगी कि आप बालों में तेल किस प्रकार लगा के रखें और कितने टाइम तक लगा के रखें, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो आइए मेहंदी का तेल बनाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेहंदी का तेल बनाने के लिए आप लोहे की कढ़ाई का यूज़ करें। लोहे की कढ़ाई नहीं हो तो लोहे की कटोरी यूज कर सकते हैं, और बर्तन जो यूज़ करें आप लोहे का ही होना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई यूज़ करने से जो भी हर्बल प्रोडक्ट इसमें हम डाल रहे हैं वो इसके साथ रिएक्शन बहुत अच्छा करेगा और बालों में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो आइए मेहंदी का तेल बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने आधा कप पानी लिया है, जिसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। पानी हमारे गर्म हो गया है, इसमें अभी हम एक चम्मच आंवला डाल देते हैं। ये आंवला का पाउडर है, मार्केट में कोई भी पसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, या जहाँ पर आयुर्वेदिक सामान मिलते हैं उस दुकान पर ये आसानी से मिल जाता है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप इस तरह का पाउडर ले सकते हैं या मार्केट से आंवला ला करके उसे पीस करके वो भी यूज कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में होना जरूरी है। अच्छा महीन पीस के तैयार होगा तो बालों में अच्छे से लगेगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आंवला है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंवला में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आप देखिए जैसे ही आंवला हमने लोहे की कढ़ाई में डाला है, अच्छा काला कलर आने लग गया है। आप देख पा रहे हैं पानी पूरा काला होने लग गया है। अभी पानी को इतना ही गर्म करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। आंवला बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। आंवला जैसे खाते भी है तो शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, उसी तरह बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। देखिए आंवला के कारण से लोहे के साथ जो आंवला रिएक्शन करता है उसके कारण से पानी पूरा काला होने लग गया। इस पानी को अभी हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अभी हमारे आंवला का पानी ठंडा हो गया है। आप कढ़ाई में देख सकते हैं कि पानी कितना ब्लैक हो गया है। जो सामग्री हम इसमें डाल रहे हैं उसके अंदर जब इस तरह का पानी मिक्स होगा तो उसका कलर भी ब्लैक होगा। यही तेल जब हम बालों के लगाएंगे तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी इसमें हम एक चम्मच ब्राह्मी पाउडर ले रहे हैं। ये एक चम्मच ब्राह्मी पाउडर है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल आपके बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, तो उसके लिए ब्राह्मी पाउडर बहुत ही अच्छा रहता है। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, इसके साथ ही आपके बाल बहुत अच्छे ग्रो होने लग जाते हैं, क्योंकि जब जड़ें कमज़ोर हो जाती है तो बाल बहुत टूटने लग जाते हैं। तो इसके लगाने के बाद में आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएगी और आपके बाल बहुत अच्छे ग्रो होंगे, इसीलिए इसको आप ज़रूर डालें। ये कोई भी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाता है या आप किसी भी पसारी की दुकान से ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में मिले तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। यदि साबुत ला करके यूज़ करें तो उसे भी इसी तरह के महीन पाउडर पीस के तैयार करना है। अभी हम एक चम्मच सिकाकाई ले रहे हैं। ये सिकाकाई का पाउडर है, ये कोई भी पसारी की दुकान पे मिल जाता है या आयुर्वेदिक सामान जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ये मिल जाता है। इसके बारे में मैं बताती हूँ। सिकाकाई के अंदर विटामिन सी और डी होता है जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी के साथ सिकाकाई जब बालों में लगाते हैं उससे हमारे बाल अच्छे चमकीले बन जाते हैं। यदि आपके बालों में डैंड्रफ है या इचिंग का प्रॉब्लम है या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है या धीरे धीरे बालों में हमेशा खुजली होती रहती है, इन सभी से हमारे को निजात मिलता है। और सिकाकाई लगाने से बाल स्ट्रांग होते जाते हैं और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए सिकाकाई का पाउडर भी आप जरूर डालें। तो एक चम्मच हम इसमें सिकाकाई का पाउडर डाल रहे हैं, इसको भी हम इसमें अच्छे से हिला देंगे। जैसे जैसे मैं एक एक चीज डाल रही हूँ उसके बारे में आपको बताती भी जा रही हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो जो चीजें हम डाल रहे हैं उनके क्या क्या फायदे हैं। अभी हम इसमें सूफ्लावर का पाउडर डाल रहे हैं। सूफ्लावर को कुछ लोग गुड़हल के फूल भी बोलते हैं। ये गुड़हल के फूलों का पाउडर है, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि बाल वापस रीग्रोथ होने लग जाते हैं। यदि आपके सर में गंजापन आने लग गया है तो अमीनो एसिड के कारण से बाल आपके वापस रीग्रोथ होने लग जाते हैं। यदि आपके बाल में ड्राइनेस ज्यादा है तो ड्राइनेस खत्म हो जाती है, बालों में शाइनिंग आ जाती है और सॉफ्ट हो जाते हैं और चमकदार हो जाते हैं। इसी के साथ इसमें विटामिन सी और अमीनो एसिड होता है, जिसके कारण से स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। बालों की जड़ों में जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बाल भी आपके अच्छे ग्रोथ होंगे। यदि आपके बालों में न्यूट्रिएंट पूरे नहीं मिलेंगे तो आपके बाल कैसे मजबूत होंगे। तो इसके डालने से आपकी बालों की जड़ें मजबूत होती है तो बाल आपके अच्छे ग्रो होते हैं।
अभी हम इसमें डाल रहे हैं दाना मेथी। आप देख पा रहे हैं कि दाना मेथी का हमने पाउडर बना लिया है, ये हमने घर पे ही बनाया है। दाना मेथी में एक ही चीज ध्यान रखने का है कि यदि आपके बालों में डैंड्रफ है तो एक तरह का ये भगवान की देन है, आपको इस तरह के दाना मेथी का यदि बालों में लगाएंगे तो बाल आपके इससे बहुत अच्छे मजबूत हो जाएंगे और ये अच्छे कंडीशनर का काम करता है, बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। इसमें निकोटिनिक एसिड होता है जिससे लगाने से नए बाल अच्छे ग्रो होते हैं। बहुत से लोग तो खाली दाना मेथी कोई पाउडर बना करके उसके पीस करके रख देते हैं और फिर एक चम्मच रोज भिगा करके पतला इसका घोल बनाते हैं और बालों में लगा देते हैं, आधा घंटा रखने के बाद में बाल धो लेते हैं तो बालों को मजबूत करने का काम करता है। अभी हम लास्ट में डाल रहे हैं मेहंदी। मेहंदी इसमें हम 3 चम्मच डाल रहे हैं। अब मैं आपको मेहंदी के बारे में बताती हूँ, तो यदि आपके बाल पतले हो गए हैं तो बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है, बाल आपके जाड़े होने लग जाते हैं। यदि आपके बालों में डैंड्रफ है या बालों से आपके तेल बहुत ज्यादा निकलता है तो तेल निकलने से क्या होता है, बालों में गंदगी ज्यादा चिपक जाती है, तो ये मेहंदी लगाने से बाल आपके एकदम से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये एंटी फंगल का काम भी करता है, बहुत लोगों के बालों में फंगस हो जाती है, फंगस होने से क्या है बाल टूटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, तो आप बना करके लगा लें और फिर आपके बाल में से जो फंगस है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है, इसे अभी हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे का रखने का रीजन ये है, इसके अंदर जो भी हमने आयुर्वेदिक चीजें डाली है मेहंदी के साथ में, सबके न्यूट्रिएंट मेहंदी के साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर इसका तेल बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। इस मेहंदी को रखे हुए लगभग हमारे को 24 घंटा हो गया है, अभी इसका ढक्कन हटा के देख लेते हैं। अब ये ध्यान रखें मेहंदी का इस तरह का पेस्ट बनाने के बाद में आप ढक्कन लगा के मेहंदी को रखें, यदि बिना ढके हुए रखेंगे तो मेहंदी सूखने लग जाएगी, तो मेहंदी सूखनी नहीं चाहिए। अभी आप देख पा रहे हैं मेहंदी का हमारा कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, अच्छी ब्लैक दिखने लग गई है मेहंदी। अभी इसका हम तेल बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनके तैयार हो। अभी इस पेस्ट में डालने के लिए हमने नारियल का तेल लिया है, ये 1 कप नारियल का तेल है। पहले हम 1 कप इसके अंदर डालेंगे धीरे धीरे और मेहंदी के अंदर मिक्स करेंगे इसको इस तरह से, एक साथ में तेल नहीं डालें आप, थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाए। इसमें जो आप तेल लगाते हैं वो कोई भी तेल डाल सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग तेल नहीं होना चाहिए। और वैसे हमारी सलाह है कि आप नारियल का तेल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नारियल का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, नारियल का तेल लगाने से भी बालों में अच्छी ग्रोथ होती है, तो आप नारियल के तेल में ये मेहंदी का तेल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आप हिला करके इस तरह से मिक्स करें, फिर आप थोड़ा सा तेल और डालेंगे और फिर हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। आप साइड में देख पा रहे हैं जो काला काला दिख रहा है आंवला के रिएक्शन के कारण से हुआ है, आंवला मेहंदी और लोहे के साथ में जब ये कढ़ाई के अंदर रखा हुआ है तो उसका रिएक्शन अच्छा होता है और बालों के लिए वो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। स्टील की कड़छी से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इसीलिए अभी हम वुडन का स्पैटुला यूज़ करते हैं ताकि ऑडियो में कोई तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम धीरे धीरे करके ये भी तेल डाल देंगे, अभी 1 कप इसमें हमने तेल डाल दिया और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें आप थोड़ा थोड़ा करके तेल डालें और अच्छे से मिक्स करते रहें। अभी 1 कप तेल और ले लेते हैं, ये हमने 1 कप तेल और लिया है, जितना हमने मिश्रण बनाया था उसके अंदर हमारे को 2 कप तेल डालना पड़ेगा, इसलिए तेल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। इस तरह हमने 2 कप तेल इसके अंदर डाल दिया है। अभी हम गैस पे धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे। अब इस कढ़ाई को हम गैस पे रख देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। मेहंदी का तेल बनाने में आपको ये ध्यान रखना है कि आँच को कभी भी आप धीरे रखें, तेज आँच पे नहीं रखें। तेज आँच पे तेल बनाएंगे तो मेहंदी अंदर जलने लग जाएगी और तेल आपका अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। धीरे आँच में करने से जो भी न्यूट्रिएंट्स मेहंदी के अंदर से निकल के आए हैं या दूसरे हमने आयुर्वेदिक चीज़ें डाली है सबके न्यूट्रिएंट्स है तेल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और तेल को हिलाना बहुत ज़रूरी है, बराबर बराबर हिलाते रहे इसको, क्योंकि मेहंदी नीचे जा करके जम जाएगी। तेल हल्का होता है, तेल ऊपर आ जाता है और मेहंदी नीचे बैठ जाएगी। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है वैसे, पर चीज़ बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अभी मेहंदी के तेल को पकाते हुए लगभग हमारे को 10 मिनट हो गया है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर काफ़ी बुलबुले आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि हम धीरे धीरे आँच में ही कर रहे हैं इसको, ज़्यादा तेज आँच में नहीं कर रहे हैं। जो बुलबुले इसमें आते हैं तो थोड़ा बाहर उछलने लग जाए, यदि आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और हाथ के अंदर जो ये कड़छी यूज़ करते हैं आप, थोड़ा बड़ा लंबा डंडी का कड़छी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके हाथ वगैरह जले नहीं। और ये धीरे धीरे आँच में हम इसको करते रहेंगे। इसके अंदर जो पानी है उसको पूरा सुखाना ज़रूरी है, पूरा पानी सूख जाएगा तभी ये तेल अच्छा बनेगा, इसलिए हम धीरे धीरे आँच में इसके पानी को सुखा रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो हमारे बबल्स आ रहे थे वो काफ़ी छोटे छोटे बबल्स हो गए, पानी लगभग इसका ख़त्म हो गया है,
अब इसको हम एक मिनट के लिए और पकाएंगे, उसके बाद में गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे अपनी गर्मी में भी, क्योंकि तेल बहुत गर्म है, अपनी गर्मी में भी धीरे धीरे ये पकता रहेगा, उसके बाद में हम इसके आपको बताएंगे। अभी हमारे को पकाते हुए लगभग 24 मिनट हो गया है, 24 मिनट में ये पूरा पानी इसका ख़त्म हो गया है। अभी इस गैस को हम बंद कर देंगे। इस जगह आप ध्यान रखें कि जो भी हमने ये काम किया है पकाने का, वो धीमा आँच पे ही किया है। यदि आप तेज़ आँच पे करेंगे तो जल्दी से तो बन जाएगा, पर मेहंदी अंदर है तो वो काली पड़ जाएगी और न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी लगभग आधा घंटा हो गया है, आधा घंटे में हमारा तेल ठंडा हो गया है। अभी इस तेल को हम छान लेंगे। तेल को छानने के लिए हमने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर हम एक छलनी रख देते हैं। इस तरह से महीन छलनी कोई भी लें आप, और इसको इसके ऊपर रख देते हैं। तेल को हमें अच्छे से छानना है, इसमें मेहंदी का कोई भी कण भी नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए हमने एक कपड़ा लिया है, वो इस छलनी के ऊपर लगा देते हैं। इस तरह से आप कोई भी कपड़ा लेकर के लगा सकते हैं। अभी हम तेल को इसमें डाल देंगे। अभी इस कपड़े को हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से, और तेल ये धीरे धीरे निकल करके इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। आप इस कपड़े को चाहिए ऐसे ही रख सकते हैं, 10-15 मिनट में पूरा तेल धीरे धीरे निकल के बाहर आ जाएगा। हमें आपको दिखाना है इसीलिए हम इसको इस तरह से निकाल रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं तो धीरे धीरे तेल है निकल करके बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमारा तेल बन के तैयार हो गया है। वैसे तो आपको ये कलर काफ़ी डार्क लग रहा होगा, पर मैं आपको एक प्लेट में लेकर के दिखाती हूँ इसका कलर कितना अच्छा आया है। अच्छा ग्रीन कलर आया इसका, आप देख पा रहे हैं। जैसे बाजार में तेल मिलता है उसी तरह से बनके तैयार है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसे हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया है तो आपके बालों को भी काला करेगा। ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसे अभी हम एक बोतल में निकाल लेंगे। तेल को हमने कांच की बोतल में निकाल दिया है, आप देख पा रहे हैं कांच की बोतल में इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तेल को आप कैसे यूज़ करें। जब आपको सिर में तेल लगाना है सुबह या शाम, जब भी आप तेल लगाते हैं उस समय आप तेल को लगाएं, और लगाने के बाद में 10 मिनट तक अच्छे से मालिश करें सर में। मालिश करने के बाद में उस तेल को 2 घंटा के लिए सर में ही लगा हुआ रहने दें, और 2 घंटे बाद आप कोई भी शैम्पू लगा करके बालों को वॉश कर सकते हैं। ऐसा करने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऐसा ये नियमित तौर से यदि आप सप्ताह में 2 या 3 बार करते हैं तो आपके बाल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, उसका फ़ायदा आपको 3-4 महीने में बालों में दिखने लगेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए YouTube पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।